सो हे दे वेलकम बैक गाइस टू द चैनल एवरीवन। पिछले एक दो महीने से रविचंद्रन अश्विन की ट्रेड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं यार भाई यूट्यूब पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी जो लोग यही दावा कर रहे हैं कि 90% ट्रेड कन्फर्म हो चुकी है, 99% ट्रेड कन्फर्म हो चुकी है, सिर्फ साइन बचे हैं, सिर्फ पेपर वर्क बचे हैं। तो भाई आज सबकी पोल खोलने वाले हैं, आपको सब कुछ विथ प्रूफ बताने वाला हूं वीडियो में कि क्या रीसेंट अपडेट्स निकल के आई है रविचंद्रन अश्विन की ट्रेड के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। पहले ऐसी न्यूज निकल कर आई थी कि किंग्स 11 पंजाब की टीम रविचंद्रन अश्विन को रिलीज करना चाहती है, अपना कप्तान चेंज करना चाहती है, और जो उधर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है वो चाहती है कि वो रविचंद्रन अश्विन को एज अ ट्रेड अपनी टीम में शामिल कर ले, वो ट्रेड कर ले रविचंद्रन अश्विन को किसी भी और खिलाड़ी के साथ या पैसे देके वो ट्रेड कर ले। ये अपडेट पहले निकल कर आई थी। अब इसमें सच्चाई कितनी है, सो जो दिल्ली कैपिटल्स वाली खबर है वो बिल्कुल सच है। दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल सच चाहती है यहां पर रविचंद्रन अश्विन को ट्रेड करना, ये बिल्कुल सच है। पर अब बात आती है कि क्या सचमुच पंजाब की टीम अश्विन को ट्रेड करना चाहती है। आप अपनी स्क्रीन पे एक फोटो देख पा रहे होंगे अभी, और वहां पर साफ साफ यही स्पष्ट हो रहा है, किंग्स 11 पंजाब के जो सीईओ है सतीश मेनन, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अश्विन और पंजाब दोनों के बीच में अभी भी कुछ भी ट्रेड की बात नहीं हुई है। साथ ही में किंग्स 11 पंजाब के जो सीईओ है उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अश्विन जो है काउंटी क्रिकेट खेलने यूनाइटेड किंगडम गए थे, तो उस टाइम हमारे बीच में कुछ भी बातचीत नहीं हुई है। पर अश्विन अभी जैसे ही वापस आते हैं, अभी तो अश्विन इंडियन क्रिकेट टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पर जैसे ही अश्विन फ्री होते हैं तो अश्विन और टीम के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या अश्विन की ट्रेड होने वाली है, नहीं होने वाली है, कितने करोड़ रुपए लगेंगे, कितने करोड़ रुपए यहां पर अश्विन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कितने करोड़ रुपए टीम को मिलेंगे, ये सब कुछ यहां पर स्पष्ट होने वाला है। या ये भी हो सकता है कि ट्रेड हो ही ना, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है तो भाई लोगों की मत सुनो। यहां पर अगर आपको एक बार दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर फॉर श्योर एक चीज तो कंफर्म है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अश्विन को अप्रोच किया था। दिल्ली कैपिटल्स और अश्विन के बीच में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है ट्रेड के ऊपर, पर अश्विन ने हां या ना बोला है, इसके ऊपर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। भाई ये चीज सुन लो, ढंग से सुन लो, यहां पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही में जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उसने पंजाब से अभी तक कुछ भी बात नहीं करी है, सिर्फ जो बात हुई है वो अश्विन से हुई है, और अश्विन ने भी पंजाब की टीम से कुछ भी बात नहीं हुई है। तो पंजाब की टीम जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इस पूरे ट्रेड में, उससे अभी तक कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, यही अभी तक की ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है। एक बार आपको ट्रेड प्राइस समझाने की कोशिश करूं, तो किंग्स 11 पंजाब की टीम ने अश्विन को 7.6 करोड़ रुपीस देके ऑक्शन में से खरीदा था, और अगर अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड करना है तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 7.6 करोड़ रुपीस तो खर्चने ही पड़ेंगे। जो प्लेयर वाली बात बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि पंजाब की टीम ने दो प्लेयर की मांग करी है, तीन प्लेयर की मांग करी है कि आप अश्विन के बदले में ये तीन प्लेयर दे दो, तो ये बिल्कुल से गलत न्यूज है, इसके ऊपर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। यहां पर पंजाब की टीम ने यही स्पष्ट कर दिया है कि अभी अश्विन के ट्रेड के ऊपर हमने कुछ बात ही नहीं करी है, तो प्लेयर्स की बात तो निकल कर आती ही नहीं है। तो भाई अगर थोड़ी सी अक्कल हो आप में तो भाई थोड़ा आप भी दिमाग चलाओ, ये ट्रेड की न्यूज अभी तो यही खत्म हो जाती है, पर फिर भी आगे पंजाब की टीम बात करने वाली है। सो भाई प्लीज यार फेक वीडियो पे मत माना करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। आप इस पूरे सिनेरियो के ऊपर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बिल्कुल से बता देना। थोड़ी सी यार भाई वीडियो शायद तक लंबी हो गई होगी, सो सॉरी फॉर दैट, पर अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई दिल से एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग और सच्ची खबरों वाली वीडियो के साथ। सो फिर बाय, टेक केयर।